झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह जो है इसी माह 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। अभी हमारे साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो से हम बात करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा स्थापना दिवस समारोह मन रहा है उसको लेकर के। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी स्थापना दिवस को हम लोग धूमधाम के साथ मनाने का बीड़ा उठाया है। आपने पिछले समय में देखा होगा कि चूंकि पूरा दुनिया कोरोना से ग्रसित था तो हम लोग कोई भी ऐसा कार्यक्रम इस टेन्योर में नहीं कर पाए थे, और इस समय थोड़ा हम लोगों के फेवरेबल है, हम लोगों के पक्ष में है, इसलिए हम लोग इस स्थापना दिवस को एक आकर्षक स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अगर कहा जाए तो जैसे पिछले दिनों जानकारी आई थी कि 3 दिनों का एक बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है, कई कार्यक्रम है, युवा संसद का, छात्र संसद का आयोजन है, इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सेमिनार भी है। मैंने आपको कहा कि इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए हम लोग इसका बीड़ा उठाया है, और आकर्षक इस सेंस में चूँकि ये विधानसभा है और विधानसभा में विधानसभा का जो कार्यक्रम होगा ये विधि सम्मत कार्यक्रम होगा, उसका भी ज्ञान को हम लोग और विस्तार करने के लिए भी इस कार्यक्रम के अंदर उसको हम लोग सम्मिलित किए हुए हैं। और मुख्यतः 3 कार्यक्रम इसमें है, एक छात्र संसद है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और दूसरा आपको संघ और राज्य का बीच का जो संबंध है उसको एकेडमिक चर्चा कराने के लिए हम लोग निर्णय लिया है। और मैं समझता हूँ कि आप सारे लोगों का अपेक्षित सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, और छात्र संसद का जो विषय है वो और ही रोचक और समसामयिक और जरूरत का विषय है। आप जानते ही होंगे वो विषय क्या है कि रोड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड द रोल ऑफ यूथ, यूथ का जो रोल है रोड सिक्योरिटी सेफ्टी में, इसके बारे में भी हम लोग उन लोगों को सीख देंगे, उसका भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में आप देखते होंगे सिर्फ हमारा ही राज्य में करीबन 1 से 1.5 लाख लोगों का रोड एक्सीडेंट से या तो प्राण का हानि होता है या शरीर का आंशिक रूप से क्षति होता है। तो इन तमाम चीज़ों से लोगों के अंदर में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोगों ने इस तरह के टॉपिक्स को चुना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों का अपेक्षित सहयोग अगर रहा तो ये अत्यंत ही फलप्रसू साबित होगा आने वाला दिन। आपने बताया कि 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे तो उसका क्या कुछ खास आकर्षण होगा इस बार? सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी देश में उभरते हुए कवि कुमार विश्वास जी को, डॉक्टर कुमार विश्वास जी को हम लोग ला रहे हैं, और मैं समझता हूँ उनका चाह भी लोगों के अंदर में सिर्फ हमारा ही राज्य में नहीं कि पूरे देश के अंदर में, यहाँ तक कि बाहर भी जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए। इसलिए उस फेम का एक कलाकार को, कवि को हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं जो अपने सृजनात्मक क्षमता के माध्यम से झारखंड के बुद्धिजीवी, झारखंड के तमाम लोग, सारे लोगों को सम्मान करने का काम करेंगे। सड़क सुरक्षा में युवाओं की भूमिका विषय पे तो आपने बता दी, अगर हम संघ और राज्य के संबंधों को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा होनी है उसमें कौन से लोग आ रहे हैं, कौन खास लोग होंगे और क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी? दर्शक में भी कुछ खास लोगों को बुलाने की बात कही जा रही है। जी, हम लोग पूरे देश का जाने माने कानून वेत्ता और विशेष करके जो लॉ यूनिवर्सिटी से, लॉ कॉलेज से जुड़े हुए लोगों को, विख्यात लोगों को बुलाने के लिए आमंत्रण भेज चुका है। अब कितने लोग हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार करते हैं और कितने लोग आने में सक्षम होते हैं वो तो बाद की विषय है। और ये जो संघ और राज्य का जो विषय है इसको हम लोग जिस आँख से देखते हैं ये विषय संकुचित होते नजर आ रहा है, इसलिए इस विषय को और ज़्यादा इलाबोरेट करने के लिए हम लोग एकेडमिक चर्चा का आयोजन किया है। और हम समझते हैं वैसे विद्वानों के मुखार वृंद से इस विषय पर जो व्याख्यान होगा तो निश्चित रूप से वहाँ बैठे हुए जो श्रोता होंगे, जो इंटरेस्टेड श्रोता होंगे, जो इस विषय को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वैसे लोग होंगे, उन लोगों को काफ़ी फायदा होगा। आपने बताया कि संघ और राज्य के संबंधों की अगर हम बात करें तो वो आज के तारीख में थोड़ा संकुचित होता जा रहा है।
आखिर इसकी प्रासंगिकता आज क्यों नजर आ रही? राज और संघ के बारे में जो किताब में जो ज्ञान है बस वहीं तक सीमित है। उसके बाद उस ज्ञान को आहरण करने के लिए जितना आदमी इंटरेस्टेड है वही उस विषय पर जानते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उस विषय से बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ है। मेरा विचार है, मेरा मानना है कि राष्ट्र और इस राज्य के बीच का जो संबंध है यह अत्यंत ही मधुर संबंध है, एकदम निर्धारित संबंध है, हमारे संविधान में प्रदत्त संबंध है। तो इस विषय को सही मायने में 100% एकेडमिक तौर पर रखने के लिए हम लोग काम करेंगे।